तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कुछ फंडामेंटल्स हम लोग समझेंगे। आज न्यूमेरिकल्स नहीं होगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैथमेटिक्स में भी जैसा होता है, न्यूमेरिकल्स करने से पहले उसका फॉर्मूला जानना पड़ता है, उसका कैसे आया वो सब जानना पड़ता है। तो इसमें कोई फॉर्मूला डेरिवेशन तो नहीं होता है, लेकिन जो भी हम सम करेंगे उससे रिलेटेड हमको क्या जानना पड़ता है, उससे रिलेटेड हमको थ्योरी थोड़ा सा जानना पड़ता है। इसीलिए पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स हम लोग थोड़ा सा इसका मीनिंग वगैरह समझेंगे ताकि हम लोग सॉल्वेशन कर। ठीक है, तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले तो तुम लोग को क्या समझना पड़ेगा, पार्टनरशिप का डेफिनेशन। डेफिनेशन को इसको लिख लो कॉपी में, क्या डेफिनेशन है मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनर वर्ड तो तुम लोग, ये वर्ड जो पार्टनर है इससे तुम लोग ऑलरेडी जो है अवेयर हो कि पार्टनर का मतलब क्या होता है ना? तो पार्टनर वर्ड से ही बना है पार्टनरशिप। स्टेट दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड। नाउ बिजनेस में पार्टनरशिप क्या होता है, दोस्ती भी एक दोस्ती भी एक पार्टनरशिप है। चल हम दोनों तो दोस्त रहेंगे, जब मेरा बुरा वक्त आएगा तू मेरे को हेल्प करना, तेरा बुरा वक्त आएगा तब नोट्स तू मेरे को देना मैं तेरे को दूंगा। ये दोस्ती भी एक तरह का पार्टनरशिप है। ठीक है, बट इन बिजनेस पार्टनरशिप किस तरीके का होता है, पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन। ठीक है, अकेले में कोई पार्टनरशिप नहीं होता है, पार्टनरशिप होने के लिए एटलीस्ट दो दो इंसान तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए बोला इट इज रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। देखो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो बिजनेस में अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो दैट मीन्स देर इज सम एग्रीमेंट टू शेयर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। जैसे मैंने और साहिल ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे तो नहीं स्टार्ट करेंगे हम लोग। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वी विल सिट टुगेदर, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, हम उसके बारे में प्लान करेंगे, बोलेंगे कि तेरा काम ये रहेगा, मेरा काम ये रहेगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब एग्रीमेंट का पार्ट है। ठीक है, एंड देन आफ्टर लास्ट में हम लोग क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट चाहते हैं। अगर मैं ये बोल दूंगा कि साहिल हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, सारा सारा काम जो है हम दोनों मिलके मिल बांट के करेंगे, प्रॉफिट में अकेला ले जाऊँ, तो वो नहीं हो, प्रॉफिट भी हमको शेयर करना पड़ेगा। दैट मीन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। ठीक है, जो बिजनेस है या तो सभी पार्टनर्स मिलकर चला सकता है या फिर एनी एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर ऐसा भी एग्रीमेंट हो सकता है कि ठीक है बिजनेस पैसा सब लोग लगा रहे हैं, सब लोग पार्टनरशिप में आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक दो जन काम करेगा बाकी लोग काम नहीं करेगा, बट प्रॉफिट जो है सब लोग शेयर करेगा। तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, इंसान के बीच में पर्सन्स के बीच में अग्रीमेंट होता है टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो कि या तो सारे पार्टनर्स मिलके चला सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक जन मानो चला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए एंड बी ये दोनों ने मिलके एक क्या शॉप, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी इन्होंने मिलके एक रेस्टोरेंट खोला, पैसा दोनों ने लगाया। ठीक है, नाउ इन दोनों में एग्रीमेंट ये हुआ है कि इनका जो प्रॉफिट होगा वी विल शेयर देम, मतलब ये दो हम दोनों मिलके इसका प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने मिलके ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम दोनों ही मिलके जो है इस रेस्टोरेंट में काम करेंगे। ए ने बोला कि ठीक है मैं मॉर्निंग में काम करूंगा एंड बी ने बोला कि मैं इवनिंग में काम करूंगा। तो इन दैट केस क्या हो रहा है कि कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब ये दोनों ही काम कर रहे हैं, दो से ज्यादा भी पार्टनर हो सकते हैं, बट सिंपल रखने के लिए मैं दो का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दैट मीन्स ये दोनों ही काम कर रहे हैं इसमें, तो दैट टाइम ये क्या हो गया, कैरिड ऑन बाय ऑल। या फिर एग्रीमेंट ये भी हो सकता है कि रेस्टोरेंट खोल दिया, पैसा दोनों ने लगाया, दोनों प्रॉफिट भी लेंगे, लेकिन इनमें बात ये हुआ कि बी ने बोला कि देख मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो ए एग्री हो गया, ठीक है तो मैं तो क्या मैं अकेले काम कर लूंगा, दैट इज एग्रीमेंट, ये हो सकता है। ठीक है, तो उस समय में ये क्या हो गया, ये जो लाइन है ये आ गया कि कैरिड ऑन बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो उस समय ए जो काम कर रहा है ये दोनों के बिहाफ में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मीनिंग, ये सिंपल डेफिनेशन है, कॉपी में लिख लो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। ठीक है, हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। नाउ हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, दैट मीन्स ये बिजनेस से रिलेटेड है, इसीलिए ये लाइन भी लिखना होगा, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, वन वर्ड यहाँ लिख सकते हो, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। ठीक है, नाउ इसका देखेंगे हम लोग फीचर्स क्या क्या है, या एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप का। ये कभी पूछा जाता है ये मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, या राइट राइट एनी टू मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन आए तो हम लोग को क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या इसका फीचर्स है। ठीक है, तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पहला फीचर लिखो तुम लोग, मैं बता रहा हूँ, टू और मोर पर्सन। देखो पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप मैंने बोला पार्टनरशिप अकेले नहीं हो सकता, पार्टनरशिप अकेले हो सकता है क्या,
पार्टनरशिप अकेले बिल्कुल नहीं हो सकता, पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट जो है दो इंसान होना ही चाहिए, इसलिए बोला है टू और मोर पर्सन। फर्स्ट फीचर क्या हो गया इसका, टू और मोर पर्सन, इसमें दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, अकेले में पार्टनरशिप नहीं होता है। साहिल ने बोला कि चल मैं पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पार्टनरशिप में कौन कौन है, मैं अकेले हूँ, तो लोग हंसेंगे। तो अकेले पे पार्टनरशिप नहीं होता है, अकेले पे क्या होता है, अकेले पे होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हमने 11 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप ये हमने 11 में पढ़ लिया। तो पहला फीचर क्या है पार्टनरशिप का, कि उसमें एटलीस्ट दो होंगे, दो से ज्यादा भी होंगे, इसलिए टू और मोर पर्सन। नंबर टू फीचर है, देर इज ए अग्रीमेंट, है ना, पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट, बिना अग्रीमेंट का कोई पार्टनरशिप होता नहीं है। अग्रीमेंट कैन बी वर्बल, अग्रीमेंट कैन बी रिटन। ठीक है, ये हो सकता है कि म्यूचुअल डिस्कशन करके हम लोगों ने वर्बल अग्रीमेंट कर लिया। अग्रीमेंट मतलब क्या, दोनों के बीच में समझौता, जैसे मैंने ए और बी में, ए और बी का जो इंसिडेंट एग्जाम्पल अभी दिया, ये दोनों ने मिलकर रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो रेस्टोरेंट खोलने से पहले ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आपस में मिलकर बात करेंगे, बोलेंगे कि चल ए ने क्या बोला कि हम दोनों काम करेंगे, दोनों ही काम करेंगे। ठीक है, टू विल वर्क, ये एक एग्रीमेंट हो गया इनके बीच में, इन दोनों ने इसको मान लिया कि हाँ दोनों मिलके जो है काम करेंगे। उसके बाद नंबर टू, हम दोनों प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, ये भी एक एग्रीमेंट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ये भी एक एग्रीमेंट है। ठीक है, तो मेरा हैंडराइटिंग शायद थोड़ा सा समझ में ना आया, तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के लिखना। टू विल वर्क, ये एक एग्रीमेंट हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अब ये एग्रीमेंट भी हो सकता है, ये शायद ये बोल सकता है कि मैं ज़्यादा पैसा लगाऊंगा, तू कम पैसा लगाएगा, या तू ज़्यादा काम करेगा, मैं ज़्यादा काम करूंगा। ये ऐसा बहुत तरह का एग्रीमेंट, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सारा बातें क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन क्या करेगा, कैसे बिजनेस चलेगा, वर्कर रखना है नहीं रखना है, कितना पैसा लगाना है, कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये सारे बातों का डिस्कशन जब मिल के करते हैं कोई, तो वो एक एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट होने के बाद ही पार्टनरशिप हो सकते हैं। दो और दो, दो या उससे ज्यादा इंसान एक साथ हो तो गए, लेकिन एक साथ होने के साथ साथ पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं होगा, उसके बाद मिलकर ये लोग बात करेंगे, कुछ सर्टेन पॉइंट में एग्रीमेंट होगा, है ना, ए ने कुछ बोला, बी को भी उसको एग्री करना पड़ेगा, तभी जाके वो एग्रीमेंट होगा, बी ने कुछ पॉइंट सजेस्ट किया, ए को भी उसमें अग्री करना पड़ेगा, तो सारा पॉइंट इस तरह से वो लोग पुट करेंगे। जब दोनों या दो से ज्यादा अगर है, सब लोग मिलकर अगर अग्री करते हैं, तो वो अग्रीमेंट बन जाता है, एंड आफ्टर दैट वो बिजनेस स्टार्ट होता है। अब एग्रीमेंट यहाँ पर दो तरीके का हो सकता है, देखो, एक तो ओरल या वर्बल बोल सकते हो आप, मतलब मुंह से ही बात कर लिया, हाँ ऐसा ऐसा करेंगे, मुंह से बात कर लिया, एंड दूसरा होता है रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है, जो बताऊंगा मैं बाद में। तो ये दोनों में बेटर कौन सा है, अगर कोई पूछे आपको, तो यू विल से रिटन एग्रीमेंट इज बेटर, क्योंकि हो सकता है कि बिजनेस शुरू किया हमने 2 साल पहले, उस समय में वर्बली हमने क्या एग्रीमेंट किया था, ए शायद डिस्प्यूट कर सकता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, बी बोल सकता है कि नहीं ऐसा तो हुआ था, तो वो वर्बली वाला जो है कहीं ना कहीं दिमाग से गुम हो जाता है, हमने एक्चुअली बोला था या नहीं बोला था। तो ऑलवेज क्या होता है कि जो रिटन एग्रीमेंट है दिस इज बेटर, रिटन एग्रीमेंट ही करना चाहिए, जो भी हमारे बीच में डिस्कशन हुआ है ए एंड बी के बीच में, तभी रिटन एग्रीमेंट होने से क्या होगा, कभी अगर ये दोनों में डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, तो बोलेंगे चल एग्रीमेंट में क्या हुआ था देख लेते हैं, तो देखेंगे हाँ ये लिखा हुआ है, तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ओरल या वर्बल एग्रीमेंट से अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर कभी कुछ डिस्प्यूट हुआ, तो उस समय में वो डिस्प्यूट सॉल्व जो है इजीली नहीं हो पाएगा, जबकि रिटर्न एग्रीमेंट अगर रहेगा तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फीचर हो गया टू और मोर पर्सन, देन सेकेंड वो दो जितने भी पर्सन एक साथ रहेंगे उनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, नाउ टू और मोर पर्सन, यहाँ पर कुछ मैक्सिमम मिनिमम लिमिट भी होगा, इसको नोट कर लो। ठीक है, टू और मोर पर्सन जो मैंने बताया, एज पर लिखोगे क्या लिखो, एज पर सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टनर्स होगा वो रेस्ट्रिक्टेड टू 50 होगा, ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो नंबर ऑफ पार्टनर्स होगा दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी 1 मार्क्स में ये पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, टू और मोर पर्सन तो आपने बोला, लेकिन ये इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में ये डिफाइन किया गया है, और कौन से सेक्शन में, सेक्शन 464 में,
ये जो पार्टनर्स है वो कितना हो सकते हैं, वो 50 तक हो सकते हैं, ठीक है। नाउ ये वाला चीज़ भी जो है अदर अदर अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो सकता है, ये इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से 50 है, तो अलग कंट्री में चाहे तो अलग हो सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 क्या बताता है, नंबर ऑफ पर्सन हो सकता है 50, ठीक है। तो दो फीचर हमारा हो गया। थर्ड फीचर, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप मिलकर पार्टनरशिप करके हम लोग घूमने चले जाते, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। पार्टनरशिप इज फॉर बिजनेस एंड फॉर जो बिजनेस होगा वो किस में, किस मोटिव से होगा, प्रॉफिट मोटिव से होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को लिखते जाना। अब ये पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मान लो ये बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, तो ए और बी ने जो है रेस्टोरेंट खोलने का ना सोच के, इन्होंने सोचा कि आज हम दोनों मिल के क्या करेंगे, साहिल के घर में डाका डालेंगे, ठीक है। तो ये जो है पार्टनरशिप तो कर रहे हैं, लेकिन ये माना नहीं जाएगा पार्टनरशिप, बिकॉज ये लीगल नहीं है। दैट मीन्स ये जो है जो भी बिजनेस मोटिव है इसका, ये इलीगल है। ये क्या करना चाह रहे हैं, दोनों एक साथ मिल के डाका डालना चाह रहे हैं, तो ये नहीं होगा। या फिर ए और बी मिलके क्या क्या कर रहे हैं, एक जॉइंटली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, ये दोनों मिलके जॉइंटली एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, एट दैट केस ऑल्सो ये पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जस्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, देर इज नो प्रॉफिट मोटिव, इनमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। इसीलिए ये पॉइंट, बिजनेस होना चाहिए और जो बिजनेस होना चाहिए वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन फीचर्स हो गया। नंबर फोर में क्या होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तभी पार्टनरशिप बनेगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है, कोई एक जन खा रहा है और दूसरे जन को नहीं मिल रहा, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। तो पार्टनर के बीच में ये अग्रीमेंट पहले से ही हो जाता है कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, एंड फ्यूचर में उसी हिसाब से जो है प्रॉफिट को बांटा जाता है, और अगर लॉस भी होता है तो लॉस को भी उसी हिसाब से बांटा जाता है। मान लो ए और बी में ये अग्रीमेंट हो गया कि हम लोग प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अगर 1 लाख का चल रहा है हमारा प्रॉफिट, अगर 1 लाख का आया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कितना है, 50,000, 50,000 लेंगे दोनों, है ना। ए 50,000 लेंगे और बी भी 50,000 लेंगे, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन अगर लॉस हुआ, प्रॉफिट ना होकर लॉस हुआ, तो लॉस को भी उन्होंने इसी रेशो में लेना है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लेंगे, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, तो उनको लॉस को भी शेयर करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा फोर्थ फीचर, ठीक है। फिफ्थ फीचर, फिफ्थ फीचर क्या है, मैं बता रहा हूँ। फिफ्थ फीचर है, लिखो उसमें, प्रिंस रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पर्सन बाय हिज एक्ट, एंड प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि हर एक पार्टनर जो है वो मालिक भी है, एंड दूसरे का प्रिंसिपल एंड एजेंट बोला है ना, इसको ऐसे समझो कि हर एक पार्टनर जो है एक दूसरे का मालिक भी है और एक दूसरे का वर्कर भी है वहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब सभी को सबका बात मानना भी पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, यही चीज़ कहना चाह रहे हैं इसमें। जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे दो तीन पार्टनर्स, ऐसा नहीं चलेगा कि एक जन का दादागिरी नहीं चलेगा उसमें, क्या होगा कि सबको, हाँ, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से सबका बात मानना भी पड़ेगा, और सब जो कर रहे हैं, क्योंकि एक जन अगर कुछ करते हैं, जैसे मान लो ए ने कुछ किया, तो उसके काम की वजह से बाकी सारे के सारे पार्टनर्स भी इफेक्टेड रहेंगे। अगर इसने कुछ परचेज किया तो इससे क्या होगा, इनका भी कुछ कुछ हिस्से का पैसा उसमें लगेगा। इसीलिए बोला कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर, ठीक है। नंबर सिक्स क्या है, इतना सारा बता रहा हूँ, इतना सारा याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सारा कभी भी इसमें से जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, हार्डली दो फीचर पूछा जाता है, एंड ज़्यादातर लोग जो है 1 और 2 में ही इसको याद करके छोड़ देते हैं, और 3 को भी 4 को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि ये तीन चीज़ जो है याद करना बहुत ईजी है, 2 और मोर% एग्रीमेंट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, इतना सारा पूछा नहीं जाता है। ये लास्ट पॉइंट ये भी बता देता हूँ, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये हमारे डेफिनेशन में भी था, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम,
या तो बिजनेस कोई एक जन चला सकता है सबके बिहाफ में, ठीक है, या फिर सभी मिलके एक साथ चला सकते हैं, ये भी उनके एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या डिसाइड किया था, कैसे बिजनेस को रन करना है नहीं करना है, इसके ऊपर ये चीज डिपेंड करेगा, ठीक है। ये 6 फीचर्स हैं, अच्छे से इसको देखना, इसको मतलब कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स तो आपका ये है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी हो सकता है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के ऊपर तो और भी चीज़ पढ़ेंगे हम आगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये 3 फीचर्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर इस तीनों को भी याद कर लोगे तो अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आराम से आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मेरे को किसका किसका डाउट है, जो चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो प्लीज़ बता दो।